Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, the paradise of confusion. So our today's topic of discussion will be Happy Valley by Patrick White. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हैप्पी वैली जो पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया था, पैट्रिक वैली ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बहुत ही परमानेंट नेम है, वन ऑफ द मीन्स लीडिंग फिगर है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के। ये एकमात्र ऐसे ऑस्ट्रेलियन है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आज हम लोग इनके जो हैप्पी वैली है उसका समरी देखेंगे, उसके प्लॉट को देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या किस बैकग्राउंड पे ये हैप्पी वैली को लिखा गया है, और साथ ही साथ हम इसका कैरेक्टर स्केच देखेंगे ताकि हम लोगों को समरी समझने में और पूरे नॉवेल के आइडिया को ग्रेस्प करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Patrick White was a British-born Australian writer who published 12 novels, 3 short story collections and 8 plays from 1935 to 1987. ये इनका tenure है जो इसमें भी ये active रहे, ठीक है? He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1973. ये एकमात्र ऐसे ऑस्ट्रेलियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है? The only Australian to have received this honor. देखिए मैंने लिखा भी है। He was also the first recipient of Miles Franklin Award, a prestigious literary prize in Australia. ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही prestigious literary prize है, जैसे कि भारत में है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, उसी प्रकार से ये भी जो है सो बहुत ही prestigious literary prize है वहाँ का। White's fiction is known, अब इनका देखिए इनका वर्क कैसे जो इनका वर्क जाना जाता है वो किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, यूज ऑफ ह्यूमर, फ्लोरिड प्रोज, शिफ्टिंग नरेटिव, पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस, इन सारे चीजों के लिए इनका नॉवेल जाना जाता है, इनके वर्क्स को जाना जाता है। ही एक्सप्लोर्ड थीम्स सच एज आइसोलेशन, एलाइनेशन, आइडेंटिटी एंड द सर्च फॉर ए मीनिंग इन हार्श एंड इन डिफरेंट वर्ल्ड। देखिए ये ऐसा होता क्योंकि आपको देख के लग रहा है ये ब्रिटिश बॉर्न है, मतलब ये नेटिव अमेरिकन नहीं है, ये वहां पर माइग्रेट होके गए थे, ठीक है? तो कोई भी जो रहता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाके माइग्रेट होता है, अगर आप उनके वर्क्स को पढ़िएगा, जैसे डायस्पोरा लिटरेचर भी कहते हैं, हालांकि ये डायस्पोरा लिटरेचर में बिल्कुल नहीं आएगा, आप इसके लिखने में मत रहिएगा, तो उसमें आपको ये थीम देखने के लिए मिलेगी। जो भी एक जगह से दूसरे जगह अगर शिफ्ट हो जाता है तो उसे उसके लिटरेचर में आइसोलेशन, एलाइनेशन इफेक्ट, ठीक है, उसको एलियन जैसा लगता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, और मतलब उसके लिए पूरा नया वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन फेमस वर्क है हैप्पी वैली के अलावा। हैप्पी वैली इनका फर्स्ट वर्क है, ठीक है? वॉस द ट्री ऑफ अ मैन, राइडर्स इन द चैरियट, द टैवर्न अफेयर। आपको बता दूं ये जो है पैट्रिक वाइट जो है नेट परस्पेक्टिव से, यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है उसके परस्पेक्टिव से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है। इनके वर्क से अधिकतर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन रहता है, अगर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा तो पैट्रिक वाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस बात को मानकर चलिए, ठीक है? हैप्पी वैली बाय पैट्रिक वाइट इज ए नॉवेल डेट वॉज पब्लिश्ड इन 1939 एंड इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज ए जेकारो। जेकारो मतलब जो भेड़िया वगैरह चलाता है और जो उसके आसपास रहता है, ठीक है? एट ब्लोरो, ब्लोरो वहां का नया नाम का जगह है, बोलेरो एंड एडमेनिया इन साउथ ईस्टर्न न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में इनका जो जगह है वहां का, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है? उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है? हैप्पी वैली बाय पैट्रिक वाइट इज ए नॉवेल दैट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ वेरियस कैरेक्टर इन ए स्मॉल टाउन इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में एक टाउन है न्यू साउथ वेल्स, वहीं पे जो कैरेक्टर है, सारा जो सेटिंग है इसकी नॉवेल की, सेटिंग वहीं पर रखी गई न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है? इन 1930, इन 1930s का जो इरा है उस समय सेटिंग रखी गई है, ठीक है? मतलब एकदम कंटेम्प्रेरी सेटिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1939 में इस नॉवेल को पब्लिश किया गया और सेटिंग जो है भी जो है सो उसी आपके डेकेड की है, ठीक है? द नॉवेल एक्सप्लोर्स द थीम। अब देखिए नॉवेल में कौन कौन सा थीम होता है, इसे आपको समझने में और आसानी होगी। तो ये थीम को कौन कौन सा एक्सप्लोर करता है, ये एक्सप्लोर करता है थीम आइसोलेशन, एलाइनेशन, आइडेंटिटी
ठीक है, आइसोलेशन का, आइसोलेशन हो गया, एलाइनेशन हो गया, आइडेंटिटी एंड सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ हार्श एंड डिफरेंट, जो कि इनका कॉमन थीम है, ये इनके वर्क्स में आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप वॉस पढ़िए, चाहे आप थ्री ऑफ द मॉन पढ़िए। अब नॉवेल का जो स्ट्रक्चर है, सो कैसे इसको स्ट्रक्चर, जो प्लॉट है उसको कैसे डिजाइन किया इन्होंने, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, द नॉवेल इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, और ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट सेशन, डिफरेंट सीजन और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टाउन्स एग्जिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट वेदर के बारे में, तीन को डिफरेंट डिफरेंट वेदर लेकर इन्होंने डिस्कस किया। जैसे कि पहला में आप देख सकते हैं कि विंटर लिया है, दूसरा में आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग लिया है, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि समर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये तीन पार्ट, तीन डिफरेंट डिफरेंट वेदर, और तीनों अलग अलग टाउन के पर्सपेक्टिव को, अलग अलग चीजों को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम लोग चल दिए, इसके पहले कि मैं आपको समरी बताना शुरू करूं, इससे ये अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है इसका पहले कैरेक्टर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर एक बार पता चलेगा, क्योंकि नॉवेल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस नॉवेल का आपको कहीं भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं, ना ही यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही गूगल पे मिलेगा, ना ही कहीं और जगह मिलेगा, ना ही और जो आपके लिट चार्ट, स्पार्क नोट्स वगैरह फाइल जो बनाते हैं उस पर भी इनके नोट्स नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको जो है सो बहुत ही लिमिटेड इसका मिलता है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब चलिए हम यहाँ आगे देखते हैं, तो पहले कैरेक्टर लिस्ट, कैरेक्टर स्केच हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर ऑलिवर हॉलीडे, ठीक है, ये इसके सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटागनिस्ट है। ठीक है, ही इज ए डिसिल्यूजन फिजिशियन हु फील्स ट्रैप्ड इन हिज मैरिज टू एमी। इन्होंने जो एमी से साइड की शादी किया था, इनकी जो वाइफ थी एमी, उनके साथ इनका जो रिलेशन था वो उतना अच्छा नहीं जा रहा था। इसके इसके मतलब इसके कारण से, या फिर ये भी है कि इसके जो अपोजिट है कि इनको कोई और पसंद आ रही थी, उसके कारण से इसका मैरिज अच्छा नहीं जा रहा। तो ये किसके और अट्रैक्टेड थे? एलिस ब्राउनी की और ये अट्रैक्टेड थे। ए म्यूजिक टीचर हु लिव्स अलोन एंड सफर्स फ्रॉम अस्थमा। ये एक म्यूजिक टीचर थी जो अकेली रहती थी और इनको अस्थमा हुआ हुआ था। ठीक है, ही ड्रीम्स ऑफ स्केपिंग हैप्पी वैली विद एलिस। ये एलिस के साथ वहां से स्केप कर जाना चाहते थे, हैप्पी वैली से। ठीक है, बट इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो वाइफ है, उन्होंने उसको इस बारे में पता चल गया, और उसी समय एली का जो है सो सडन डेथ हो गया अस्थमा अटैक के कारण से। ठीक है, ही ऑल्सो बिकम्स एडिक्टेड टू मॉर्फिन। अब इसके बाद क्या होता है ना कि ये जो इनका, देखिए इनकी जो जो लवर थी, इनकी जो प्रेमिका थी एलिस, उनका तो मृत्यु हो गया, तो इनकी इसके बाद जो है सो ये जो है सो मॉर्फिन एडिक्टेड हो जाते हैं, नशाखोर हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं मॉर्फिन का, एंड इवेंचुअली अंततः मर जाते हैं ओवरडोज की वजह से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एलिस ब्राउनिंग कौन थी। ठीक है, एलिस ब्राउनिंग इज द लव इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर हॉलीडे। सी इज ए म्यूजिक टीचर हु लिव्स अलोन एंड सफर्स फ्रॉम अस्थमा। ये बात हम लोगों ने पहले भी कर ली है। सी इज ऑल्सो डिजायर्ड। अब देखिए ये इसके इसको एक कोई और डिजायर करते थे, सिडनी, सिडनी फर्लो, ये एक यंग वुमेन है। तो आपको इसमें क्लियरली पता चल रहा होगा कि इसमें जो है सो आपको होमोसेक्सुअलिटी थीम इन्होंने रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है एक लेडीज को दूसरे लेडीज, यानी कि लेस्बियन का रिलेशनशिप, लेस्बियन लवेलो का चल रहा है। ठीक है, बट ये एक्सेप्ट करती नहीं, ए यंग वुमेन हु रिबेल्स अगेंस्ट हर वेल्दी एंड एंड कंजर्वेटिव पेरेंट। सी शेयर्स डॉक्टर हॉलीडेज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लॉन्गिंग फॉर ए डिफरेंट लाइफ। सी डाइज ऑफ अस्थमा अटैक बिफोर सी कैन रन अवे विथ हिम। ठीक है, ये थी। अब जो हम अब सी शेयर्स मतलब कौन? एली ब्राउनी। एली ब्राउनी जो है सो इनका जो वाइब कहते हैं ना कि वाइब मैच होता है कपल में, तो वो वाइब इनका बहुत अच्छा मैच होता था डॉक्टर हॉलीडे के साथ। ठीक है, डॉक्टर एलिवल हॉलीडे के साथ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सिडनी फर्लो। सिडनी फर्लो डॉटर होती है मिस्टर एंड मिसेस फर्लो की, हु आर वेल्दी एंड कंजर्वेटिव लैंड ओनर्स। सी रिबेल्स अगेंस्ट देम एंड ब्रेक्स ऑफ देयर एंगेजमेंट विथ रॉनी पीस। अब ये क्या करती है, इनका इनका एंगेजमेंट तय करवा दिया जाता है रॉनी पीस के साथ, इनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। बट ये क्या, और ये रॉनी पीस क्या होता है, ये टिमिड बैंक क्लर्क होता है, जो कि बल्पर के जो है बल्पर के फर्म में काम करता है, वहां पे जो बल्पर के अंदर काम करता है। ठीक है, सी इलोप्स विद हैरी सेवेयर्स। ये हैरी सेवेयर्स के साथ इलोप हो जाती है, अंततः भाग जाती है, क्योंकि जो बहुत ही वायलेंट नेचर का रहता है।
ठीक है। उसके बाद इनको जो भाग जाने के बाद इनको एक बेटा भी होता है जो कि मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आ है रॉनी पीस। रॉनी पीस वही जो बैंक क्लर्क है जो इनके साथ भागा था, जो सॉरी जिस जो जिस जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये बैंक क्लर्क, मिस्टर ब्लेपर, करप्ट मैनेजर। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज है। और बाकी सारे कैरेक्टर्स में माइनर माइनर है। एक और कैरेक्टर है जो थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी जो करेक्टर आएगा ऊपर समरी में वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, और इससे आप समरी अच्छा तरह से बनाइएगा तो आपको थीम भी पता चलेगा इसके। और भी जो सिंबल वगैरह होते हैं जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक वगैरह जो यूज किया, वो सब भी आपको इसमें धीरे धीरे समरी से पता चल जाएगा। कॉन्गली। कॉन्गली जैसे चाइनीज शॉपकीपर है हु ऑब्जर्व्स द टाउन विथ आयरनी एंड विजडम। ही बाइज फर्लोज लैंड एंड प्लान्स टू बिल्ड ए मॉडर्न स्टोर एंड होटल ऑन इट। ही ऑल्सो मैरिज मिसेज रैमसन हु इनहेरिट ए पब फ्रॉम हर ब्रदर। ठीक है, मिसेज रैमसन का मिस्टर रैमसन इज ए विडो हु रन ए लोकल पब एंड गॉसिप्स अबाउट द टाउन्स अफेयर। सी मैरिज क्वेंग ली आफ्टर हर ब्रदर्स डेथ। इसके बाद क्वेंग ली का जो बेटा होता है वो जिमी ली होता है। जिमी ली की जो बेटी होती है वो लिजी ली होती है। ठीक है, और इसके बाद एंगस्टन मैकनील जो है से एक फार्मर होता है। ठीक है, वो खुद को मार लेता है इन डिफेंस ड्यूरिंग शिप स्टीलिंग इंसिडेंट एंड फील्स गिल्टी अबाउट इट। ठीक है, अब हम लोग इसके समरी पर आते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समरी यहां से आपका शुरू होता है तीन पार्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे प्लॉट को तीन पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है तो विंटर को इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर। देखिए फर्स्ट पार्ट में सारा मेन कैरेक्टर एज यूजुअल जैसे कि सारा नॉवेल में होता है, मेन कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर ऑलिवर हैलिडे इज अ डिसइल्यूजन फिजिशियन हु फील्स ट्रैप्ड इन टू हर मैरिज। उनको अपना मैरिज से वो मतलब वो अपने मैरिज में फुल नहीं है, हैप्पी नहीं है, ब्लिसफुल लाइफ नहीं है उनका मैरिज। मैरिज लाइफ जो है सो ब्लिसफुल नहीं है। मैरिज टू एमी जो उनकी वाइफ होती है एक कोल्ड एंड डोमिनेटिंग वूमन। ठीक है, ही इज अट्रैक्टेड टू एलिज ब्राउने ए म्यूजिक टीचर हु लिव्स अलोन एंड सफर्स फ्रॉम अस्थमा। एलिज इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अब देखिए एलिज इसके भी ऑब्जेक्ट डिजायर रहती है सिडनी की भी। तो ये सब चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो पहला पार्ट में यही सब है। ए यंग वूमन हु रिबेल्स अगेंस्ट वेल्दी एंड कंजर्वेटिव सिडनी इज एंगेज्ड टू रॉमी। अब देखिए सिडनी जो है सो सिडनी का एंगेजमेंट रॉमी के साथ कर दिया जाता है, रॉनी पीस के साथ। बट ये जो है सो उसको पसंद नहीं आता है, तो वो जो है सो जो अपना एंगेजमेंट तोड़ देती है और अंततः भाग जाती है किसी और के साथ। ठीक है, ये काम कहाँ करते थे रॉनी जो है सो? रॉनी काम करते थे मिस्टर बेल्पर के यहाँ पर। ठीक है, जो करप्ट और ग्रीडी मैनेजर होता है। मिस्टर ब्रेविंग इज हैविंग एन अफेयर। अब देखिए मिस्टर ब्लीपर का भी अफेयर चला था। किसके साथ अफेयर चला था? मिसेज मॉरियटी के साथ। ठीक है, मिसेज मॉरियटी के साथ इनका अफेयर चला था कि जो है कि वाइफ होती है टाउन स्कूल मास्टर, जो वहां के टाउन का स्कूल मास्टर जो होते हैं उनकी एक वाइफ होती है, ये भी अस्थमिक होती है। आप देखिए इसमें जो अस्थमा इतना बार बार जो रिपीटेटिव आ रहा है, तो अस्थमा इज द सिंबल ऑफ सफोकेशन। ठीक है, यहाँ पर अस्थमा एक सिंबल है किसका? सफोकेशन का सिंबल है कि कैसे जो है सो अस्थमा एक बीमारी तो है ही, लेकिन ये सिंबॉलिक वे में इसको यूज किया है पैट्रिक व्हाइट ने। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हु इज ऑल्सो अस्थमिक। अदर कैरेक्टर कौन कौन सा है? क्वांगली है चाइनीज शॉपकीपर जो कि उसका बाद में एक किसी का थीप खरीद लेता है जमीन वगैरह। मिसेस रैमसन है गॉसपिंग वूमन हु रन्स द लोकल पब एंड एंगस मैकनील है। अगर देखिए प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा, सही प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा कि ये नाम पूरे तरह से न्यू है और थोड़े से अलग टाइप से भी है। मदर टंग इन्फ्लुएंस के कारण थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में परेशानी हो रही है, तो आप लोग इसे मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट स्प्रिंग शोज द चेंजेस दैट अकर्स। अब देखिए पहला पार्ट विंटर, विंटर में सारा कोल्ड सिचुएशन जितना भी है वो आपको इसमें दिखा दिया गया। ठीक है, इसीलिए पहला पार्ट जो है उसको विंटर से जोड़कर दिखाया गया। ठीक है, अब आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग इज ए वेदर ऑफ चेंज, तो चेंज यहां पर भी आएगा। ठीक है, ठीक, देखिए वहां लिखा हुआ है एस सीजन ब्रिंग्स न्यू लाइफ एंड होप। डॉक्टर हॉलीडे
डॉक्टर हेलिडे डिसाइड्स टू लीव हिज वाइफ एंड रन्स अवे विद एलिस। ये अपना छोड़ना चाहते हैं अपनी वाइफ को, ठीक है, और एलिस के साथ भागना चाहते हैं, बट इनका प्लान क्या होता है, वो फेल हो जाता है, ठीक है। और उसी समय प्लान फेल होने के कुछ देर के बाद ही एली को अस्थमा अटैक आता है एंड सी डाइज। और इसके बाद क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है हेलिडे जो है सो, ठीक है, और ओवरडोज ले लेते हैं मॉर्फियम का, जिसके कारण इनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सिडनी ब्रेक्स ऑफ हर एंगेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे सिडनी ब्रेक्स ऑफ हर एंगेजमेंट, जिसका कि रोमांटिक इंटरेस्ट था, किसके साथ, एलिज के साथ, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ पे थीम लिखा दिखाया गया था। एंगेजमेंट विथ रॉनी एंड इलॉप्स विथ हैरी सोयर्स, ए रफ एंड वायलेंट सेयरर हु वर्क्स फॉर फर्लोज फादर, ठीक है। रॉनी इज डिवास्टेटेड बाय सिडनीज बिट्रेयल। अब रॉनी को बहुत ही खराब लगता है सिडनी के बिट्रेयल एंड कमिट सुसाइड, रॉनी भी सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि तीन जो है सो डेथ अभी तक इसमें हो चुकी है, बाय बिट्रेयल एंड कमिट सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ इन द बैंक। मिस्टर ब्लिपर इज एक्सपोज एज ए फ्रॉड एंड फ्लीज द टाउन। अब जो इसके जो जो इसके जिनके अंदर ये रॉनी काम करता था ब्लिपर के अंदर, वो जो है अंततः टाउन छोड़ के भाग जाते हैं। मिसेस मैरेटेटी इनके मनी के साथ भाग जाते हैं, ठीक है। मिसेस मैरेटेटी रिजाइंस फ्रॉम हिज जॉब एंड लीव्स हैप्पी वैली विथ हिज सन, ये भी अपने सन के साथ भाग जाते हैं। तो इसमें स्प्रिंग जो है, जो सेकेंड पार्ट है, वो पूरा चेंज दिखाता है हैप्पी वैली में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो है सो समर। समर डिपिक्ट्स द aftermath ऑफ द इवेंट इन स्प्रिंग एंड द फेट ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर। अब जो क्या होता है, जो लास्ट में समर में जो aftermath होता है, जो पूरा आपका मतलब समझिए कि जो गहमा गहमी कह सकते हैं हम लोग, कि कुछ कांड होने के बाद जो गहमा गहमी होता है, वो चीज को इसमें थर्ड पार्ट में दिखाया गया है, ठीक है। डॉक्टर हेलिडे रिटर्न्स टू हिज वाइफ एंड ट्राइज टू रिज्यूम हिज नॉर्मल लाइफ, बट इज हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ एली एंड ही फेल एस्केप, ठीक है। उसको इसकी याद आती है एली की बार बार, जो इसकी प्रेमिका है, एंड ही बिकम्स एडिक्टेड टू मॉर्फिन एंड इवेंचुअली डाइज ऑफ ओवरडोज। एमी इनहेरिट्स हिज प्रॉपर्टी एंड मूव्स टू सिडनी। सिडनी जो है सो आपका एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही बड़ा शहर है, वहां पे वो चली जाती है विथ हर डॉक्टर। सिडनी रिटर्न्स टू हैप्पी वैली, वो सिडनी जिसका रॉनी के साथ एंगेजमेंट हुआ था, जिस बार में उन्होंने तोड़ दिया था, रिटर्न्स टू हैप्पी वैली विथ हैरी हु हैज बिकम एब्यूजिव। देखिए एब्यूजिव एंड अल्कोहलिक। सी गिव्स बर्थ टू ए सन बट डाइज सून आफ्टर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड नेग्लेक्ट। माल न्यूट्रिशन और नेग्लेक्ट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जो इन लोगों के बेटा होता है किसकी, ठीक है, हैरी और सिडनी की। सी ऑल्सो डाइज शॉर्टली आफ्टर। अब ये भी कुछ समय के बाद ये भी मर जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। हैरी लीव्स द टाउन विथ अनदर वोमेन। अब हैरी क्या करता है, इसको दूसरी एक लड़की मिल जाती है, उसके साथ ही चला जाता है। पर्लो सेल्स द लैंड टू कॉन्गली। पर्लो जो है अपना जो लैंड है वो कॉन्गली को बेच देता है। हु प्लान्स टू बिल्ड ए मॉडर्न स्टोर एंड होटल ऑन इट, जो कि वहां पे एक अच्छा होटल बनाना चाहता है। कॉन्गली ऑल्सो मैरिज मिसेस रैप्सन। ये मिसेज रैप्सन के साथ शादी कर लेता है, मिसेज रैप्सन के साथ। हु इनहेरिट्स द पब फ्रॉम हर ब्रदर। ये ऑलरेडी जो रहती है सो विडो रहती है, अपना ब्रदर का जो है फार्म को इनहेरिट करती है। एंगस मैकनिल कंटिन्यूज टू वर्क ऑन हिज फार्म एंड हिज वाइफ एंड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ही इज ट्रबल्ड बाय कॉन्शियसनेस फॉर हैविंग किल्ड ए मैन इन सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग ए शिप स्टीलिंग इंसिडेंट। ये जो है सो कंटिन्यूसली थोड़ा सा ट्रॉमा में रहता है, एक शिप इंसिडेंट जो होता है, कोई भेड़े को चुलाने के लिए आता है, उस समय उसको बचाने के लिए किसी को ये मार देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉवेल का बैकग्राउंड, यहाँ पर समरी खत्म होता है। अब हम लोग नॉवेल का बैकग्राउंड देखते हैं। तो नॉवेल का बैकग्राउंड जो है सो किसे इन्फ्लुएंस हुआ है, ये इन्फ्लुएंस हुए हैं डीएच लॉरेंस से। डीएच लॉरेंस बहुत ही फेमस ब्रिटिश आप कह सकते हैं नॉवलिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रोवर्शियल, इनफैक्ट ही विल कंट्रोवर्शियल, इफ यू विल रीड हिज लेडी चैटरली लवर यू विल फाइंड दैट हाउ कंट्रोवर्शियल ही इज। फिर थॉमस हार्डी हो गए। थॉमस हार्डी जो है सो इनका जो सेटिंग रहता था
वो आपका एक पर्टिकुलर सेटिंग गांव में रहता था, कंट्री साइड सेटिंग ये प्रोवाइड करते थे, ठीक है। उसके लिए उन्हें जाना जाता है थॉमस हार्डी को, और इसके अलावा व्हाइट जीनियस, पैट्रिक व्हाइट का ओन जीनियस, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, द नॉवेल आल्सो रिफ्लेक्ट्स व्हाइट्स ओन सेंस ऑफ बीइंग आउटसाइडर। देखिए जो नॉवेल में एलाइनेशन इफेक्ट जो लगता है ना कि बाहर से आया है, जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश बॉर्न थे, ये बाहर से आए हुए थे, ठीक है। एज ही वाज ए यूरोपियन सोल सोल इन ए फिलिस्तीन प्ले सॉरी इन ए फिलिस्टाइन प्लेस, एक मतलब आप प्रोवर्ब कह सकते हैं कि दूसरा से जगह आके दूसरा जगह बस गया है, उस चीज के लिए यहाँ पर ये यूज हुआ है। एंड एज ए होमोसेक्सुअल इन ए विल्डरनेस ऑफ असर्टिव हेटरोसेक्सुअलिटी, ये आपके होमोसेक्सुअल थे, ठीक है। द नॉवेल ऑल्सो फीचर्स एंग्लो चाइनीज फैमिली लीज हु रन्स ए जनरल स्टोर इन हैप्पी वैली कॉन्गली, द पैट्रियार्क इज ए वाइज आयरोनिक ऑब्जर्वर ऑफ टाउन्स अफेयर्स एंड मैरिज मिसिज रैमसन ए विडो हु रन्स द लोकल पब, कॉन्गली सन जो होता है इसका जिमी है, कॉन्गली का सन इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन हु फॉल्स इन लव। देखिए यहाँ पे लव अफेयर इतना सारा है, इसलिए मैंने बोला कि नॉवेल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये समरी एक बार में समझ में नहीं आएगी तो आप इसे दो बार सुनिएगा तब तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिडनी फर्लो ए रिबेलियस यंग वोमेन हु इलोप्स विद हैरी, देखिए हैरी के बाद भागता है, उसके बाद जो है से जब हैरी उसको छोड़ देता है तो अंतिम में इसके साथ वो शादी कर लेती है। जिमी इसकी बेटी होती है लीजी ली, इज ए ब्राइट एंड एम्बियस एम्बिशन वाली गर्ल होती है, ठीक है। और ये जो है सो बाहर हैप्पी वैली को छोड़ के बाहर जाकर के डॉक्टर बनना चाहती है। द लीज रिप्रेजेंट वाइट्स इंप्रेशन ऑफ चाइनीज कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज कम्युनिटी अभी भी चाइनीज कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। तो वही जो है आपका जो ली है, जो लीज कैरेक्टर है, पूरा लीज फैमिली है, वो इसको दिखाता है। देखिए इनिशियली जब है जो पैट्रिक वाइट ने ये लिखा था तो ये ना ही क्रिटिक्स के द्वारा अच्छा से रिसीव किया गया था, ना ही रीडर्स के द्वारा, इनफैक्ट जो है सो ये भी अपने जो मतलब सप्रेस किया था इनके पब्लिकेशन को, ठीक है, रिपब्लिकेशन को, कि बार बार पब्लिश नहीं होने। ही ऑल्सो अलाउड टू इट टू बी इंक्लूडेड इन हिज कलेक्टेड वर्क्स, और इनको अलाउ भी किया था। बट लेटर ऑन क्या होता है, द नॉवेल हैज सिंस बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर एंड एज ए टेस्टामेंट टू वाइट्स जीनियस पैट्रिक वाइट। लेटर ऑन क्या होता है कि नॉवेल में इतना अच्छा जो सिनेरियो है, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ऑस्ट्रेलियन लाइफ का, इसके कारण इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर जो है सो ये नॉवेल पॉपुलर होता है। द नॉवेल हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स रियलिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स एंड द लैंडस्केप ऑफ हैप्पी वैली। कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल जो करता है सो, ठीक है, और लैंडस्केप जो हैप्पी वैली में जो पोर्ट्रे करता है, ठीक है, जैसे थॉमस हार्डी से आप मैंने बताया, तो ये भी पूरे एक तरह से इंस्पायर होके एक अलग टाइप से अपना कंट्री साइड इमेजरी लैंड क्रिएट करते हैं विद सम रियलिस्टिक टच। इट्स यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कंसिसनेस, अब स्ट्रीम ऑफ कंसिसनेस एक टेक्निक होता है, ठीक है। हेनरी जेम्स ने इसके बारे में, हेनरी जेम्स हो गया, फिर आपका वर्जीनिया वुल्फ हो गया, और बहुत सारे जो नॉवलिस्ट है वो इस टेक्निक पर लिखते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। एंड सिम्बोलिज्म एंड इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज आइसोलेशन एलाइनेशन आइडेंटिटी एंड सर्च फॉर मीनिंग इन ए हाउस इन डिफरेंट वर्ल्ड, ये सारे इसके थीम हो गए। द नॉवेल हैज ऑल्सो बीन एज ए प्रीकर्सर्स ऑफ वाइट लेटर्स, अब देखिए ये जो है ना प्रीकर्सर है किसका, वाइट का लेटर, जो अच्छा अच्छा नॉवेल उन्होंने लिखा, जैसे कि वॉस लिखा, ठीक है, लेटर ऑन इन्हीं नॉवेल्स के कारण इनको प्राइज नॉवेल प्राइज भी मिला, राइडर्स इन द चैरियट लिखा, ठीक है। द नॉवेल हैज बीन रीइश्यूड सेवरल टाइम्स एंड हैज अट्रैक्टेड न्यू रीडर्स एंड स्कॉलर्स हु अप्रिशिएट्स इट्स आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू क्यों, आर्टिस्टिक वैल्यू क्यों, क्योंकि जहाँ पे लिखा था, जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन किया था, रिप्रेजेंट किया था वहाँ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को, ऑस्ट्रेलियन रूरल सोसाइटी को, उसके कारण इस नॉवेल को लेटर ऑन रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लिए हम इतना ही,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें व आप व इस फैमिली को बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में उन्हें बताएं। यहाँ पर मैं कंप्लीट कोशिश करता हूँ कि आपको जो है सो ओवरऑल एक ऐसा आंसर बना के दूं जो कि आप जाके सेम टू सेम अपने एग्जाम में लिख लिख कर आ जाए, आपको अच्छे स्कोर्स मिले। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय।